और क्योंकि आरबी वाला खून है और जो दिल में है वो चीज निकल के आती है विद्युत, जब पहली बार इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपके फिल्म, आज खुद पहले तो मैं बधाई दे दूं कि खुदा हाफिज का कुछ ही देर पहले मैंने ट्रेलर देखा, भाई कमाल है ट्रेलर। और जैसे कि हर तरह के जॉनरा की फिल्म आप कर रहे हैं, अब एक आम आदमी की कैसे एक जद्दोजहद है अपने फैमिली को बचाने की, वो इतनी कमाल तरीके से आप दिखा रहे हो स्क्रीन पे। और मुझे लगता है कि जैसे अभी तक आपके कमांडो सीरीज को लोग इतना प्यार कर रहे हैं, खुदा हाफिज को और भी ज्यादा प्यार मिलने वाला थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप पहली बार ये अनाउंसमेंट हुई 7 फिल्मों की और सब, लेकिन आपने पूरे अपने निडरता के साथ उस चीज को रखा, उस बात को निर्भीकता के साथ रखा कि क्यों सिर्फ 5 फिल्मों के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, दरअसल हुआ क्या था यार, सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। मैं सुबह उठा और मैंने अनाउंसमेंट देखी और मेरे दिमाग ने मुझसे पूछा कि अरे हाउ कम देयर, दिस वाज द क्वेश्चन माय ब्रेन आस्क्ड मी, एंड व्हेन आई हर्ड मायसेल्फ आस्क मायसेल्फ दिस क्वेश्चन, सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट पुट इट ऑन अ ट्वीट, एंड मैंने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो सोचा वो लिख दिया। एंड मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कोई वर्ल्ड डिज्नी वाले कुछ फोन करके बोलेंगे, या आई डिडंट थिंक एनीथिंग, आई जस्ट ट्वीटेड इट। डिज्नी वालों ने तो फोन नहीं किया, बट हिंदुस्तान के हर आदमी ने खड़े होके यार सॉलिडारिटी दिखा दी। और ये एक्सपीरियंस जो मैंने किया है ना, आई एम फॉर एवर इंडेटेड टू इंडिया इंडिया एंड द पीपल। यार कमाल कर लोगे, कोई आप रोक नहीं सकते, बहुत है इन पर। सो उस दिन मुझे पता लग गया, अगर आपके मन में बात आती है और आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं उस बात से, तो बोल दो यार, एंड इट वाज क्वाइट अ गुड थिंग दैट इट हैपेंड। विद्युत, मतलब मैं क्योंकि आपको इतने करीब से देखता हूँ, जानता हूँ, आपकी जर्नी फॉलो कर रहा हूँ, सुशांत के साथ भी देख रहा हूँ, लेकिन कहीं ना मेरे को दर्शकों से, आम जनता से भी एक कहीं गुस्सा है कि हम अभी बात कर रहे हैं सुशांत के जाने के बाद इन सब चीजों के बारे में, लेकिन क्या हम तब प्यार देते जब वो थे आपके जैसे स्टार्स को, जो इतने अपने स्ट्रगल के साथ में अपने दम पर एक इंडस्ट्री में काम हासिल कर रहे हैं, तो ये सब स्थिति आती? आप नहीं मानते इसमें कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है? इवन मैं बॉलीवुड स्टार्स और सबको उसमें लपेटे में लेना चाहूंगा कि अब इतनी बातें करने का क्या मतलब, अगर आप जब इंसान उस समय है और उसको तब सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तब तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। यार होता तो ऐसे ही है, हमने भी लाइक नाउ इट्स आवर टाइम व्हेन वी विल डू द सेम थिंग जो हमारे से पहले वाले लोगों ने किया है, हो तो यही रहा है। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग, चेंज तो आ रहा है, दुनिया खड़ी हो रही है। आई एम हैप्पी दैट एवरीबॉडी इज एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन एंड जस्ट नॉट लिसनिंग टू पीपल्स ओपिनियन, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। अब मैं सिर्फ सुनता नहीं हूँ, जो मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग। सो चेंज तो आ रहा है यार, बट हाँ ऐसा तो हमेशा से ही होता है और होता ही रहेगा। ऐसा ही है यार, अब क्या किया जाए पता नहीं। और इतनी पॉपुलैरिटी आपकी है कि लोग आपके नाम से फर्जी अकाउंट बना के इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। हाँ यार, बट अमेजिंग बात पता है क्या है, मैंने व्हेन आई रेड द ट्वीट, मैं बहुत इम्प्रेस। पता है क्या हुआ था कि माय गॉड क्या बनाया है बंदे ने यार, क्या किया है, मतलब मेरे से बेटर कॉपी। मैं कल किसी को बोल रहा था कि सोचो तुम हीरो हो और तुमसे बेटर लुकिंग तुम्हारी कॉपी हो, मैंने कहा वो वाला उसने ट्वीट किया है यार, सो आई हैड टू एक्नॉलेज की कमाल कर दिया तुमने।